अब जो हमारा टीथ वाला चैप्टर है हमने किया था, उसमें हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ्स। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या रीड किया था, सेट्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने सेट्स होते हैं? दो सेट्स होते हैं, एक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मिरर में अपना माउथ ओपन करके अपने अपने टीथ्स देखना। क्या देखोगे आप लोग, क्या ऑब्जर्व करोगे, कि जो भी टीथ्स हैं हमारे वो सारे डिफरेंट टाइप्स के, मतलब डिफरेंट शेप्स हैं उन टीथ्स की। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप के टीथ्स होते हैं? फोर टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। कितने टाइप के टीथ्स होते हैं हमारे? फोर टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? अब देखो, जो हमारे ये फ्रंट के फोर टीथ हैं, फ्रंट के फोर होते हैं, जो 1, 2, 3, 4, ये टीथ हमारे कौन से होते हैं? इनको हम बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर्स, फोर टीथ। तो ये इंसीजर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे माउथ में, कितने टीथ होते हैं? फ्रंट के फोर होते हैं, फोर लोअर जो के और फोर अपर जो के। तो ये इंसीजर्स हमारे कितने होते हैं हमारे माउथ में? एट। देयर आर एट इंसीजर्स, दीज टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। एट इंसीजर्स होते हैं, और अब इंसीजर का वर्क क्या होता है? कटिंग और बाइटिंग फूड, कि फूड को कटिंग और बाइट करने का जो काम होता है वो हमारे आगे के ये फोर टीथ्स करते हैं, जिनको हम इंसीजर कहते हैं। अब सेकंड आता है कैनाइन। कैनाइन कौन से टीथ होते हैं हमारे? जो इंसीजर से नेक्स्ट टीथ्स हैं, बोथ साइड्स, दिस वन एंड दिस वन, इनको हम क्या बोलते हैं? कैनाइन। फोर टीथ इंसीजर्स के नेक्स्ट, ये हमारे कैनाइन्स हो गए, टू लोअर जो के और टू अपर जो के। तो कितने हो गए हमारे माउथ में टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स? फोर। देयर आर फोर कैनाइन, दे आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड यूज्ड टू टियर फूड। जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, मतलब कि नुकीले जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारे कैनाइन जो टीथ होते हैं वो उस तरह के होते हैं। अब जो इतने पॉइंटेड टीथ होंगे वो क्या वर्क करेंगे? टीयर करने का वर्क करेंगे किसी भी चीज को। तो जो हमारा फूड होता है, हमारे जो टीयर करने का फूड होता है, वो फूड कौन टीयर करता है? कैनाइन टीथ। जैसे कि अब हम लोग देखा होगा आपने, हम लोग टॉफी का रैपर टीयर करते हैं, या हम लोग चॉकलेट्स का, इवन चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वो सब टीयर, उनका पैकेट किस से टीयर करते हैं हम? कैनाइन टीथ से। नेक्स्ट आता है प्रीमोलर्स। अब प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? कैनाइन से जो नेक्स्ट टू टीथ होते हैं वो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स टू एक साइड, टू एक साइड। तो जो लोअर जो है उसमें हमारे कितने प्रीमोलर्स हो गए? फोर। फोर लोअर जो में और फोर अपर जो में। तो टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने हो गए हमारे माउथ में? एट प्रीमोलर्स, 1, 2, 3, 4, फोर लोअर और फोर अपर, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स हो गए एट। अब ये जो प्रीमोलर्स है ये हमारे किस वर्क आते हैं? जैसे कि हमारा हमारे इंसीजर थे, वो किस वर्क क्या करते थे? कटिंग एंड बाइटिंग फूड, वो हमारे फूड को कटिंग और बाइट करते थे। हमारे कैनाइन थे, ये हमारे फूड को टियर करने का काम करते थे। तो ऐसे जो हमारे प्रीमोलर्स है ये क्या करेंगे? यूज्ड फॉर क्रश एंड ग्राइंड द फूड। जो हमारा फूड होता है उसको क्रश करने के लिए, उसको कम्प्लीटली ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि जब जो अभी हम फूड ईट करते हैं हमें वो अच्छे से क्रश करके ही खाना चाहिए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो वो फूड को जो अच्छी तरह क्रश करने का वर्क होता है वो हमारा कौन करता है? प्रीमोलर्स करते हैं। और कितने प्रीमोलर्स होते हैं हमारे माउथ में? एट, फोर लोअर एंड फोर अपर। अब नेक्स्ट आता है मोलर्स। मोलर्स कौन से होते हैं? जो हमारे प्री मोलर से नेक्स्ट थ्री टीथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं मोलर्स, बोथ साइड्स, दिस वन थ्री और दिस थ्री। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो 6 लोअर एंड 6 अपर, कितने मोलर्स हो गए हमारे माउथ में? 12, देयर आर 12 मोलर्स, 1 2 3 एंड 3 हियर, 1 2 3, 3 लोअर जो एंड 3 ओ सॉरी 6 लोअर जो एंड 6 अपर जो में, कितने हो गए टोटल? 12 मोलर्स हो गए हमारे माउथ में। अब मोलर्स क्या करते हैं? मोलर्स भी सेम एज प्री मोलर्स क्रश और ग्राइंड करने का काम करते हैं फूड को। तो कितने टाइप्स हो गए हमारे टीथ के? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स।